इसरो की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आगरा से बड़ी खबर है, जहां नाबालिग के साथ दरिंदगी के मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी। नाबालिग की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। नाबालिग के साथ कई बार हैवानियत की गई, पीड़िता को आशा ज्योति केंद्र भेजा गया है। गर्भवती होने की रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मचा। 7 दिन पहले लावारिस हालत में बच्ची मिली थी। मामले में सख्त कार्रवाई की तैयारी पुलिस कर रही है। तो नाबालिग के साथ कई बार दरिंदगी की गई, मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है। पीड़ित को आशा ज्योति केंद्र भेजा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत दुबे फोन लाइन पर कनेक्ट है। विनीत, आखिर किस तरह से पुलिस इस मामले को सुलझा पाएगी, किन लोगों पर शक है? देखिए, शक की बात अगर करें तो शक तो तमाम उन लोगों पर है जो रात के अंधेरे में हैवानियत का खेल खेलते हैं, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो आम रिक्शे वाले, या जो जो गरीब जैसे रात में जो लोग घूमते रहते हैं, उन लोगों की बात अभी पुलिस शक के बयान में ले रही है। सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने की कोशिश कर रही है जिस क्षेत्र में ये अलावा जुड़की घूमती थी या जान मिलती थी। लेकिन सवाल है कि सबसे पहले जब ये जिला अस्पताल गए, वो सीएमओ वापस दफ्तर गए जहाँ पर इसका चेकअप होना था, तो वहाँ मना कर दिया गया, क्योंकि स्वयं लड़की ने लिख के दिया कि नहीं, हम अपनी जांच नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन वहाँ लापरवाही बरती गई और नाबालिग समझ के इसको छोड़ दिया गया। और उस समय ये काफी पहले की बात थी, लेकिन जब दोबारा अभी बाल कल्याण समिति के आदेश पर इसको जब आशा ज्योति के लिए भेजा गया और उसकी जाँच जब रेडी लाइन में कराई गई, तो ये खुलकर सामने आया कि लड़की ज्योति नाबालिग, उसके साथ कई बार रेप हुआ और अब वो प्रेग्नेंट है। आखिर कौन लोग थे? और लड़की का बयान भी आप सुन सकते हैं, उसमें भी वो इस बात को कहती है कि पहले घर से ही उसके साथ दुराचार किया गया उसके भाई ने, उसके बाद फिर वो हैदराबाद गई, वहां से धरना कराया गया, उसके बाद यहाँ पर वो कई बार कई लोगों का शिकार बनी। तो पूरे मामले में बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। पुलिस तलाश कर रही है और कोशिश कर रही है कि साइड से बातचीत करते हुए कोई व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में या कोई बताए कि हाँ ये उसके संपर्क, बिल्कुल विनीत, या उस रिक्शे वाले के फेरी वाले के, उसके बाद कर देंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस तफ्तीश कर रही है, हालांकि बहुत मुश्किल केस है क्योंकि एक लंबे वक्त तक बच्चे के साथ हैवानियत की गई।